चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। हमारी कथा बाज के 25 लाख से 13 करोड़ कमाते हैं, तब आपका गुजारा चलता है इसी ठाकुर के कारण। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। इस ब्राह्मण को मारिए, अपने अंदर के ब्राह्मण को, ठाकुर को मारने की जरूरत नहीं है। ठाकुर नहीं मरेगा, ठाकुर रामायण में है, ठाकुर महाभारत में है, ठाकुर गीता में है, ठाकुर पुराण में है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। मनोज झा की ठाकुर वाली कविता के बाद आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मनोज झा से खुद आरजेडी विधायक चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन ने सीधा पंगा ले लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले बिहार में आरजेडी ये कौन सा खेल कर रही है। ये लड़ाई ऊपरी तौर पर आपको बेशक सवर्ण वर्सेस ओबीसी की दिखाई दे रही हो, लेकिन असल लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की है। मनोज झा ब्राह्मण समाज से आते हैं और चेतन आनंद राजपूत समाज से, और बिहार में ज्यादातर मौके पर राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ एकजुट होकर किसी पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं। लेकिन आनंद मोहन और मनोज झा की इस लड़ाई में मामला सवर्ण वर्सेस ओबीसी से शुरू होकर अब ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो गया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के निशाने पर मनोज झा के साथ साथ ब्राह्मण समाज है। इस ब्राह्मण को मारिए, अपने अंदर के ब्राह्मण को, ठाकुर को मारने की जरूरत नहीं है। ठाकुर नहीं मरेगा, ठाकुर रामायण में है, ठाकुर महाभारत में है, ठाकुर गीता में है, ठाकुर पुराण में है। आप दर्जनों सैकड़ों कथावाचक, हमारी कथावाच के 25 लाख से 13 करोड़ कमाते हैं, तब आपका गुजारा चलता है इसी ठाकुर के कारण। मैं सुनिए, डंके के चोट पर कहूं, आप उदार बनिए, आप छाती चौड़ा कीजिए, आप अपने अंदर के ब्राह्मण को मारिए जो श्रेष्ठता के भाव से ग्रसित है, इस प्रवृत्ति को मारिए और समस्त हिंदुओं के लिए एक बार चारों पीठ का शंकराचार्य, चाहे वो आरएसएस का कार्यालय हो, सभी जगह से आप ब्राह्मणत्व की विदाई कीजिए। आप, हम तो सब कुछ छोड़ दिए, हम मार लिए अपने को, आप ब्राह्मणत्व को मारिए, आप अपने अंदर के ब्राह्मण को मारिए। और अगर टाइटल प्रिविलेज है तो आनंद मोहन जेपी के कहे पर ठाकुर और सिंह छोड़ दिया, तुम झा छोड़ते आओ ना। आरजेडी केस ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वाले फिक्स मैच पर देखिए बीजेपी क्या कह रही है। सांसद भी राजद का, विधायक भी राजद का, और गाली ठाकुर को, ये कैसे? ये लालू जी के इशारे पर, राजद के इशारे पर, चित भी मेरी और पट भी मेरी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। एक तरफ तो रघुवंश बाबू का एक लोटा पानी ये लोग निकालते हैं, दूसरे तरफ जगता बाबू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं। गाली भी ठाकुर को और ताली भी ठाकुर को। एक तरफ ठाकुरों के सीना में खंजर मारा जाता है और विधायक उस पर मलहम लगाते हैं। बाहर राजद, इस तरह से समाज को ठगने का काम राजद करती है। तो आपको बता दें कि सवर्ण समाज बीजेपी का वोटर माना जाता रहा है और चुनाव में अक्सर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ एकजुट होकर बीजेपी के लिए वोट करते आए हैं। और ऐसे में अगर इस वोट बैंक में फूट पड़ जाए तो इसका सीधा फायदा आरजेडी को होगा। आरजेडी में मनोज झा वर्सेस चेतन आनंद और आनंद मोहन वाला हाई वोल्टेज ड्रामा तो चल ही रहा है। अब देखना यह होगा कि लड़ाई असली है या नकली। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।